हेलो गाइस, वेलकम अला फिर टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर के बारे में। ये यूपी में एक शानदार कॉलेज है, राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर। इसकी क्या रैंकिंग है, इसका क्या फ़ीस है, क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, कैसे यहाँ कॉलेज में पढ़ाई होती है या नहीं, प्लेसमेंट का मेन इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर में दो कॉलेज हैं, चांगीपुर नूरपुर। तो ये मेन कॉलेज है अपना बिजनौर वाला, जिसे आप मैं ओवरव्यू के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं देखता हूँ कि क्या क्या है अपने बिजनौर में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर में जो है हाईलाइट्स है वो है पब्लिक गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, ये एफिलिएटेड है AICTE से, और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था, और जो यहाँ पर टोटल फैकल्टी मेंबर हैं वो 7 हैं। यही थोड़ा टेंशन वाली बात है कि जो फैकल्टी मेंबर हैं ये 7 हैं, यहाँ थोड़ी और फैकल्टी मेंबर होने चाहिए थे। अब बात करता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर बताइए, 727 स्टूडेंट्स को हमारे 7 फैकल्टी मेंबर किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इस कॉलेज का एक डिसएडवांटेज ये था। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज और फीस के बारे में। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, जिसकी टोटल फीस है 32,000। लगभग दोस्तों आप लोगों की एक साल की फ़ीस है 10,700 कुछ रुपए पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी फ़ीस है एक साल की वो 10,700 रुपए कुछ पड़ेगी। इसमें दूसरी ब्रांच है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जिसकी सीट 54 है। अगली ब्रांच है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी सीट 54 है। अगली ब्रांच है डिप्लोमा इन मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो ये अपने यहाँ 4 ब्रांचेस थी, शायद एक दो ब्रांच और हो, इसके बारे में भी मैं टोटली डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या और कोई ब्रांच है। तो दोस्तों, और कोई ब्रांच नहीं है, इसमें इतने ही ब्रांच हैं। आगे मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज़ के बारे में। अब फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर की, तो यहाँ पर आपको बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएगा। जी हाँ, द कॉलेज हैज़ अ बॉयज़ हॉस्टल विच प्रोवाइड्स गुड हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स। देयर इज 60 सीटेड वेल फर्निश्ड बॉय हॉस्टल। दोस्तों, यहाँ पर 60 सीटें हैं बॉयज़ हॉस्टल के लिए। अगला है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वगैरह राजकीय कॉलेज में बिल्कुल चलता नहीं, गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ नहीं चलने वाला है, ना कैफेटेरिया ही चलने वाला है। ऑडिटोरियम चलता है सेमिनार के लिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। लेबोरेटरीज चलेंगी, गेस्ट रूम चलेगा। ठीक है, तो ये था अपने राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर की हाईलाइट। अब बात करते हैं प्लेसमेंट के, प्लेसमेंट क्या यहाँ पर होता है बिल्कुल या नहीं होता। तो प्लेसमेंट जो यहाँ का है दोस्तों, वो 30% यहाँ का प्लेसमेंट है, और जो पढ़ाई का भी माहौल है वो भी 50% है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज नहीं है दोस्तों, लेकिन एक सरकारी कॉलेज है तो ठीक है। यहाँ पर बिजनौर में अच्छे कॉलेज में आता है, टॉप 30 के अंदर आता है राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर। प्लेसमेंट भी 30-35% हो जाता है, तो मतलब कुछ बच्चे ज़रूर प्लेस्ड हो जाते हैं और बाकी अपने किसी न किसी तरीके से लग जाते हैं। तो जो राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसकी रैंक क्राइटेरिया क्या होगी एडमिशन की राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर में। तो लगभग आपकी 50,000 रैंक तक भी इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इस बार। तो लगभग आपकी 50,000 रैंक है तब भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो और भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, टेलीग्राम नंबर गिवन है, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।